हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने एल्काइल बेंजीन साइड चेन रिएक्शंस सारी पढ़ ली थी, राइट? इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं नेफ्थलीन के बारे में। तो बेसिकली नेफ्थलीन होती क्या है, नेफ्थलीन के बारे में हम यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे और सॉरी नोमेनक्लेचर देखेंगे, और उसके बाद जो है केमिकल और मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देखेंगे, ठीक है? डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं नेफ्थलीन की, तो नेफ्थलीन क्या होते हैं? बेसिकली नेफ्थलीन जो है पॉलीहाइड्रोकार्बन्स होते हैं। नेफ्थलीन क्या होते हैं हमारे? पॉलीहाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन क्या होती है कि कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट कंटेनिंग मोर देन वन एरोमेटिक न्यूक्लियाई, ठीक है? क्या कहने का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से बने हुए हो, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट हो और उसमें एक से ज़्यादा एरोमेटिक न्यूक्लियाई हो, क्या एक से ज़्यादा एरोमेटिक न्यूक्लियाई हो, वो कंपाउंड आपके क्या कहलाते हैं? पॉलीहाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, ठीक है? जो नेफ्थलीन भी एक पॉलीहाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे पॉलीहाइड्रोकार्बन को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी जो हमने बायफिनाइल्स की पढ़ी थी, ठीक है, विच कंपाउंड इन विच एरोमेटिक रिंग आर आइसोलेटेड, जो भी ये दोनों एरोमेटिक रिंग है वो क्या होती है, एक दूसरे से विलगित होती है, एक दूसरे से अलग अलग होती है, ठीक है? एक बॉन्ड के द्वारा अलग अलग होती है दोनों एरोमेटिक रिंग, आइसोलेटेड मतलब विलगित, एक दूसरे से अलग अलग होती है, विलगित होती है, तो वो क्या कहलाती है हमारी? बायफिनाइल्स कहलाती है। जैसे ये बायफिनाइल है, या और ये क्या है, तीन रिंग है तो ट्राइफिनाइल है, ठीक है? इस तरीके से तो पहली कैटेगरी तो ये हो गई कि जिनमें एरोमेटिक रिंग्स जो है वो आइसोलेटेड हो, तो वो कंपाउंड क्या क्या होते हैं, तो बायफिनाइल्स ट्राइफिनाइल्स होती है, हमने पढ़ा है बायफिनाइल्स, राइट? सेकेंड कैटेगरी क्या है इसमें? सेकेंड कैटेगरी है कि कंपाउंड इन विच एरोमेटिक रिंग आर फ्यूज्ड, यानी कि जो भी रिंग होती है आपकी इस तरह से फ्यूज होती है, एक दूसरे में मर्ज हुई होती है, ठीक है? तो इस तरह से फ्यूज रिंग होती है जो एक दूसरे से बॉन्ड के द्वारा सेपरेट नहीं हुई होती है, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई होती है, तो हम इसे कहते हैं फ्यूज्ड रिंग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम नेफ्थलीन ले रहे हैं, और आपके जो कोर्स में है वो नेफ्थलीन पर डिटेल जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में डिस्कस करने का है, तो ये इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है? तो ये दूसरी कैटेगरी है फ्यूज्ड रिंग वाली, कि जिसमें दो एरोमेटिक रिंग हो और दोनों क्या हो, फ्यूज्ड हो, या फिर तीन एरोमेटिक रिंग हो और तीनों क्या हो, फ्यूज्ड हो, ठीक है? अगर इस तरीके से फ्यूज्ड है ये तीनों एरोमेटिक रिंग, तो ये क्या कहलाती है हमारी? एंथ्रेसीन, ओके? और अगर ये तीन रिंग या तीन एरोमेटिक रिंग इस तरह से फ्यूज्ड है, तो ये हमारा कहलाती है फिनेंथ्रीन, राइट? तो ये है पॉलीहाइड्रोकार्बन की सेकेंड कैटेगरी, जिसमें नेफ्थलीन आता है, फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग, फाइन? तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन, ओके? नेक्स्ट देखते हैं हम नेफ्थलीन, जैसे कि मैंने कहा हमारा टॉपिक क्या है, नेफ्थलीन के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे, ओके? तो नेफ्थलीन देखते हैं। नेफ्थलीन बेसिकली क्या है? नेफ्थलीन जो है यहाँ पे सिंपलेस्ट कंडेंस्ड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, जिसमें दो बेंजीन रिंग फ्यूज होती है ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है? सबसे सिंपलेस्ट, क्योंकि इससे छोटी तो क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा छोटी से छोटी रिंग पॉलीहाइड्रोकार्बन हम किसे कह सकते हैं जिसमें दो रिंग हो, क्योंकि अगर सिंगल रिंग हुई तो वो तो बेंजीन हुई, फिर वो पॉलीहाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आएगा ही नहीं, है ना? तो सिंपलेस्ट कंडेंस्ड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो हमारे नेफ्थलीन है, और नेफ्थलीन एक दूसरे से, नेफ्थलीन के ये जो बेंजीन की दोनों रिंग है एक दूसरे से अपनी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ी हुई रहती है, ठीक है? ओके, इसमें जो है यहाँ पे आप नंबर दे सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, जब भी आपको नोमेनक्लेचर करना हो तो आप किस तरह से नोमेनक्लेचर कर सकते हो उसके लिए यहाँ पे नंबरिंग हो सकती है। देखते हैं दो तरह से यहाँ पे आप जो है इसकी पोजीशन को बता सकते हैं, एक तो है नंबर्स के थ्रू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये
10, तो नेफ्थलीन में कितने कार्बन होते हैं? 10 कार्बन होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ही आपको ऐसे ही नंबरिंग करनी है नेफ्थलीन के कार्बन की। ओके, दूसरा क्या केस होता है? दूसरा होता है कि आप इसे कहें ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, इसी तरह से दोनों आइडेंटिकल है, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, राइट। उसके बाद जो है ये हमारी बीटा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो यहाँ पे ये भी बीटा पोजीशन हो गई, ये भी बीटा पोजीशन हो गई, समझ गए। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेफ्थलीन में जो है वो क्या होता है, चार कार्बन नेफ्थलीन के सेम होते हैं, चार चार कार्बन सेम होते हैं, टोटल जो है यहाँ पे अल्फा बीटा इसे गामा के दो, ठीक है। तो चार कार्बन तो अल्फा होते हैं, चार ही बीटा कार्बन होते हैं, और चार जो है दो जो है वो गामा कार्बन होते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप के यहाँ पे आपको कार्बन देखने को मिलेंगे नेफ्थलीन के केस में, राइट। अब चलो देखते हैं, हमें पोजीशन पता चल गई कि कहीं पे भी लिखा हुआ आया अल्फा बीटा नेफ्थलीन के नोमेनक्लेचर में, तो आपको पता हो कि ये किस पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और नंबर्स के थ्रू पता करना हो तो भी हमें पता चल गया कि किस पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे, क्लियर है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे नेफ्थलीन पर हम सब्स्टिट्यूशन करवाए, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया इसके अल्फा पोजीशन पे, यहाँ पे इसकी बीटा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दिया, तो इसका नोमेनक्लेचर बेसिकली किस तरह से होगा? इसका नोमेनक्लेचर होगा, हम कहेंगे ये क्या है हमारा अल्फा क्लोरो नेफ्थलीन, इजी है, राइट। ये है हमारा बीटा ब्रोमो नेफ्थलीन, वेरी इजी, बीटा ब्रोमो नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, ओके, कहाँ जा रहा है, फाइन, ये हो गया। इसके बाद ये तो हो गया अल्फा बीटा की बात, अगर आपको क्या करना हो, आपको नंबर्स के थ्रू बताना हो कि इनकी पोजीशंस क्या है, तो नंबर्स के थ्रू भी आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे इसको वन दे दिया, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। तो आप अब पोजीशन बता सकते हो कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से है, यहाँ पे नाइट्रो है, कहाँ कहाँ है, वन पोजीशन पे और फाइव पोजीशन पे, दो नाइट्रो हो गए, तो डाई नाइट्रो नेफ्थलीन, डाई नाइट्रो नेफ्थलीन, यहाँ पे वही उसी तरीके से होगा, 1, 2, 3, 4, ओके। ज्यादा करने की आप करना चाहते कर लो, बाकी हमें यहाँ पे मिल गया है, तो ये है 1, 2, 3, 4, वन पोजीशन पे है हमारा क्या, नाइट्रो, और फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्या है, क्लोरो, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये N से स्टार्ट होता है नाइट्रो, और ये C से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेट के हिसाब से कौन पहले लिखा जाएगा, C वाला, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4-क्लोरो, 4-क्लोरो, 1-नाइट्रो, 1-नाइट्रो, 4-क्लोरो, 1-नाइट्रो नेफ्थलीन, 1-नाइट्रो नेफ्थलीन, क्लियर हुआ किस तरह से नोमेनक्लेचर होता है नेफ्थलीन के केस में, ओके। चलो एक है जो पुराना तरीका था, जैसे हम ऑर्थो मेटा पैरा करते हैं, ओके, वैसे ही पुराना तरीका था, उसमें जो है यहाँ पे नोमेनक्लेचर के लिए और उनकी पोजीशंस बताने के लिए कुछ टर्म्स थी यहाँ पे, वो है ये, अगर 1-2 पोजीशन बतानी हो तो जैसे हमेशा बताते हैं हम ऑर्थो से बताएंगे, 1-3 बतानी हो तो पैरा से बताएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद जो है वो अगर 1-4 हो, 1-4 हो तो पैरा, 1-5 हो तो एना, 1-6 हो तो एपी, 1-7 पोजीशन बतानी हो तो केटा, उसके बाद 1-8 बतानी हो तो पेरी, उसके बाद 2-6 पोजीशन बतानी हो, 2-6 यानी कि ये वाली पोजीशन बतानी हो, इस पे और इस पे लगा हुआ, 2-6 पोजीशन बतानी हो तो एम्फी,
और 2-7 पोजीशन बतानी हो तो प्रोज, जैसे सफिक्स का नाम लिया जाता था यहाँ पे, सॉरी टर्म्स का यूज में लिया जाता था, ठीक है, पुराने टाइम पे। अभी नोमेनक्लेचर इसी तरह से हम करते हैं, या तो अल्फाबेटा के हिसाब से करेंगे या फिर इस नंबरिंग के हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। ये तब की बात है जब अल्फाबेटा जो है हमने नहीं जो है इंट्रोड्यूस किया था, क्लियर है, ओके। तो ये पुराना तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं अभी सिंथेसिस ऑफ नेफ्थलीन। सिंथेसिस ऑफ नेफ्थलीन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हावर्थ सिंथेसिस। हावर्थ सिंथेसिस में क्या करेंगे, आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको नेफ्थलीन बनाना है, नेफ्थलीन का संश्लेषण करना है। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, ठीक है, नेफ्थलीन का संश्लेषण करना है। तो हावर्थ सिंथेसिस करेंगे हम यहाँ पे, लेते हैं क्या बेंजीन से ही करेंगे, ये हमने बेंजीन ली, बेंजीन की रिएक्शन हमने सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई, ये हमारा सक्सिनिक एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में, ओके। और अब हमने क्या किया कि ये वाला जो बॉन्ड था, ये देखो यहाँ पे इस तरह से अटैक होगा, यहाँ पे ये वाला अटैक करेगा सीधा इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, तो उस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं आपको साइड में एक बार करके बताती हूँ क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगी इसको, ठीक है। तो बता देती हूँ ये एक्चुअल में कैसे होगा, CH2 C double bond O, ठीक है, ये बीच में इसके बॉन्ड था। अब जैसे ही यहाँ पे अटैक हुआ तो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ओके। तो जैसे ही ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो क्या आएगा आपके पास, इस बॉन्ड के शिफ्ट होते ही आपके पास आ जाएगा ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, इस बॉन्ड के शिफ्ट होते ही आपके पास आ जाएगा ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, और यहाँ से क्या जुड़ जाएगी, यहाँ से ये बेंजीन से जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये बेंजीन से जुड़ जाएगा, और उसके बाद जो है ये बेंजीन से जुड़ जाएगा और यहाँ बेंजीन पे प्लस आ जाएगा, राइट। उसके बाद जो है क्या होता है, बेसिकली ये जो माइनस चार्ज है वापस से शिफ्ट होगा कहाँ पे, यहाँ पे, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस वाले ऑक्सीजन पे। जैसे कि हमेशा मैंने कहा बेंजीन पर जो है एक एक हाइड्रोजन रहता ही है, तो ये यहाँ पे रह गई, और ये यहाँ पे माइनस चार्ज जो है वो वापस से शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड टूट के इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे ये इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगी इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको अभी, ठीक है, आप साथ साथ में लिखते रहना स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो ये बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से, और इस पे क्योंकि शिफ्ट हो गए थे ऑक्सीजन तो इस पे आ गया माइनस चार्ज, ओके। अब यहाँ पे ये जो माइनस चार्ज आया है इसको तो कुछ करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है इधर वापस, और जैसे ही इधर वापस देगा इस पर ये जो प्लस चार्ज आया है ये चला जाएगा, और ये जो प्रोटॉन है वो कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, तो फाइनली यहाँ पे ये रिएक्शन होने की वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब जो इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे बीच में, वो कुछ इस तरीके का बनता है, क्लियर है, ओके। चलो ये क्या है, ये तो था आपका सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ये हमारा है बेंजीन। सबके नाम लिख लेना क्योंकि आपको फिर लैंग्वेज में लिखने में इजी होगा कि किसके साथ रिएक्शन कराई है और क्या बना है, ठीक है। ये हमारा है बीटा बेंजोइल, बीटा बेंजोइल
प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। बीटा क्यों कहा? क्योंकि ये इस पोजीशन पे है, तो बाद में अब पता चल जाएगा आपको कि बीटा क्यों कहा। ठीक है, तो बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड, क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम अभी यहाँ पे इसी में आगे बढ़ना है। अब क्या करवाना है आपको यहाँ पे, जिंक अमलगम के साथ HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे। तो आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार ये रिएक्शन बताई होगी, क्या होता है यहाँ पे, जिंक अमलगम HCl के साथ क्लेमेंशन अपचयन होता है, K2O ग्रुप जो है CH2 में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे, है ना। जो भी रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं उनका काम पता होना चाहिए कि उनका काम क्या है। तो यहाँ पे ये जो कीटो ग्रुप था, ये वाला कीटो ग्रुप, तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 में, राइट। इस तरीके से ये होगा रिएक्शन यहाँ पे, ये OH। अगेन इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे HF के साथ, और HF के साथ करवाने का मतलब है कि यहाँ पे हमको ये रिंग है इसको क्लोज करना है। तो ये हमारा OH है और यहाँ पे H होगा, तो HF के साथ रिएक्ट कराने पर यहाँ से एक H2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और रिंग हमारी जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो HF यहाँ पे एज ए रिंग क्लोजर यूज में लिया जाता है, रिंग क्लोजर, रिंग को क्लोज करने में यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आपका बन जाएगा, फाइन। हाइड्रोजन नहीं लिखे तो मतलब चलता है, ये CH2 ही है हमारा ये पोजीशन। ठीक है, ओके। अब हमें पता है हमारे पास फिर से कीटोन आ गया है। अब जब पता है कि फिर से कीटोन आ गया है तो इसको भी क्या करवाना पड़ेगा, इसका भी हमें रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो वो किसके प्रेजेंस में करवाएंगे हम, उसी जिंक अमलगम HCl की प्रेजेंस में यहाँ पे रिडक्शन करवाएंगे। ठीक है, जैसे ही रिडक्शन कराएंगे हमें पता है ये सी डबल बोन ओ CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है इतना। ठीक है, और CH2 में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या बनाता है बेसिकली, इसका नाम क्या है, टेट्रालीन। ये क्या है हमारा, टेट्रालीन, ओके। और ये क्या था, अल्फा टेट्रालोन, अल्फा टेट्रालोन, ठीक है, अल्फा टेट्रालोन। ओह सॉरी सॉरी, इधर नहीं लिखना था इसको, यहां लिखते हैं अल्फा कैपिटल टी टेट्रा लो, ओके। अल्फा पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड टू है, अल्फा टेट्रा लो। अब ये तो बन गया है टेट्रालीन, इसमें आपको क्या करना है, पैलेडियम के साथ आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, और उस वजह से ये क्या बन जाएगा आपका, डीहाइड्रोजिनेशन करवाएंगे पैलेडियम की प्रेजेंस में, डीहाइड्रोजिनेशन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो इतना आप, इतनी हमने रिएक्शंस पढ़ी है तो अब समझ गए होंगे कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है डिहाइड्रोजिनेशन, और पैलेडियम के साथ इसको हीट करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, ये यहाँ से हाइड्रोजन्स जो है वो निकलते हैं, तो ये आपकी जो है क्या बन जाती है, ये आपकी नफ्थलीन बन जाती है। ये क्या है, फाइनली नफ्थलीन बन जाती है। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन बेसिकली क्या है, ये आपका हॉवर्थ सिंथेसिस है। इसमें ध्यान रखना आप क्या क्या यूज में लिया गया है, अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, बेंजीन की रिएक्शन सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले जो है वो बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जो है ZnHgHCl की प्रेजेंस में इसकी
रिडक्शन करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं, हिंदी में कहें तो अपचयन करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है वो अपचयन कराने के बाद HF की प्रेजेंस में हम रिंग क्लोज करवाने की कोशिश करते हैं। HF की प्रेजेंस में हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे HF यहाँ पे क्या काम कर रहा है, रिंग क्लोजर का काम कर रहा है। तो रिंग क्लोज करने पर हमें अल्फा टेट्रालोन मिलता है, उसकी रिएक्शन अगेन आप ZnHgCl के साथ रिडक्ट करवाते हैं, उसको रिडक्शन करवाते तो टेट्रालीन मिलता है। फिर टेट्रालीन का आप जो है ही पैलेडियम और हीट के प्रेजेंस में डिहाइड्रेजिनेशन करवाते हैं तो आपको नफ्थेलीन मिलता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी, हावर्ड सिंथेसिस आपका नेफ्थेलीन के सिंथेसिस का इम्पोर्टेंट रिएक्शन था। इसको अच्छे से बार बार जो है वो अपनी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करना जब तक याद नहीं हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज इस वीडियो में इतना ही।